एम एन एस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अंशूज एजुकेशन कॉर्नर। सो बीएससी नर्सिंग एएफएमएस इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे आफ्टर नीट रिज़ल्ट, जो रजिस्ट्रेशन थे वो आपने एमएनएस के किए थे, तो आप सभी को वेट होगा कि आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस कब होगा, यानी कि आपका सीबीटी, आपका मेडिकल, आपका इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये सभी प्रोसेस आपका कब होगा। तो इसके रिगार्डिंग एमएनएस की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है। आपका जो भी स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगा वो दिल्ली में रहेगा, बेस कैंप हॉस्पिटल में, और डेट यहाँ पर लिखी गई है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को सभी का होगा या शेड्यूल दिया जाएगा कि किन बच्चों का किस दिन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी डिटेल में नहीं दी गई है, सिर्फ यहाँ पर एक डेट आपको दी गई है 2 सितंबर। तो मे बी आपके पास इंडिविजुअली मेल आ जाए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होने से पहले एक लिस्ट आती थी कि किन किन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, यानी कि सीबीटी के लिए या फिर पैट या इंटरव्यू के लिए, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई लिस्ट अभी तक तो नहीं आई है। मे बी 2 सितंबर से पहले एक लिस्ट आ जाए सो दैट एक क्लियर हो जाए कि इन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है या फिर इंडिविजुअल मेल आ जाए। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा वो 2 सितंबर से शुरू होगा। एक दिन में होगा, दो दिन में होगा, कितने डेज में होगा, ये डिटेल अभी नहीं आई है। जैसे ही ऐसी कोई डिटेल आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अंशूज एजुकेशन कॉर्नर पर मिल जाएगी। तो 2 सितंबर से पहले देखते हैं कि कोई लिस्ट आती है या इंडिविजुअली मेल आता है। अगर आपने भी एमएनएस के रजिस्ट्रेशन किए थे और कोई मेल आपके पास आया है शॉर्टलिस्ट के लिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना सो दैट क्लियर हो पाए, कन्फर्म हो पाए। सो गाइज, आज की ये अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने भी एमएनएस के फॉर्म फिल किए थे या आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी ने किए थे तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से कनेक्टेड रहे। जल्दी मिलती हूँ एक नई अपडेट, एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।